बाद उसने दोबारा लिखे तो कहा आप जरूर आइए। आपने देखा कि चीन के राष्ट्रपति शी ने भी उनके साथ डेढ़ दिन अनौपचारिक वार्ता की, जो दुनिया के इतिहास में है। आपने देखा होगा कि अभी लंदन में कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस हुआ तो ब्रिटेन की महारानी ने उनको पत्र लिखा, अगर आप नहीं आएंगे तो राष्ट्रपति सम्मेलन साथ है, और वो पत्र लेकर उनके पुत्र प्रिंस चार्ल्स आए। आज नरेंद्र मोदी को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति वहां का भारत का समतुल्य देते हैं, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, मस्कट, सबों के राजाओं ने और बाकी लोगों ने उनको अपना सबसे बड़ा पुरस्कार दिया, फिलिस्तीन ने भी दिया है और मोदी जी इजराइल ने दिया। आज हमने पाकिस्तान को आतंकवाद की मांग पर हल कर। तीसरी बात, समावेशी विकास जिसके केंद्र में गरीब, ये हमने करके दिखाया। 3.5 करोड़ उज्ज्वला दिया जिसमें SC, ST उनके पूरे से आप हमने 18,000 उन गांव में बिजली पहुंचाई मिशन मोड में जहां बिजली नहीं थी, आपने देखा। और अब 4.5 करोड़ उन घरों में बिजली लाएंगे इस साल के अंत तक। एक आपको आंकड़ा देना चाहता हूं, आजादी के बाद से 2014 तक देश में गांव में 6.25 करोड़ शौचालय बने, 68 years 6.25 करोड़ शौचालय। मोदी जी के सरकार के 4 साल में 7.25 करोड़ शौचालय। यह है गरीबों की चिंता जो मैं आपको बता रहा था। स्वच्छ भारत का कवरेज 38% से बढ़कर 83%। मैं IT मंत्री भी हूं, डिजिटल इंडिया की बात करता हूं। 130 करोड़ के भारत में 121 करोड़ मोबाइल फोन, हमने 4 साल में इतना मोबाइल फोन जोड़ा है जितना फ्रांस और इटली की जनसंख्या है। 45 करोड़ स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन मतलब मूविंग कंप्यूटर। 121 करोड़ आधार कार्ड है। जब मैं अपने कर्पूरी निर्माण पर डिजिटल इंडिया की बात करूं, मैं थोड़ा आधार के बारे में बताऊं। हमने क्या किया, जनधन आधार मोबाइल को जोड़ा, 31 करोड़ गरीबों के अकाउंट खोले जो दुनिया के बैंक अकाउंट का 55% है, आधार से जोड़ा, मोबाइल से जोड़ा, सीधा उनके बैंक अकाउंट में पैसा हमने गरीबों का, वेलफेयर का, मनरेगा का, राशन का, किरासन का भेजना शुरू किया। आपको मालूम हमने कितने पैसे बचाए, 90,000 करोड़ जो बिचौलिए और छद्म नाम के दावेदार खा जाए। भारत के पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और काशी के गांव में 15 पैसा। मोदी जी की सरकार में हम दिल्ली से 1,000 रुपया भेजते हैं, जलपाईगुड़ी, आसाम, बिहार, यूपी के गरीब के गाँव में अकाउंट में 1,000 रुपया। यही है डिजिटल इंडिया। मित्रों, ये मुद्रा योजना क्या है, हमने 12 करोड़ लोगों को लगभग 6 लाख करोड़ रुपया दिया, जिसमें आधे SC ST OBC, उसके 70% महिलाएं। 12 करोड़ 33 लाख लोगों को लगभग 6 लाख करोड़, 5,70,000 करोड़ है, वो रोज बढ़ता जाता है, इसलिए मैं लगभग 6 लाख करोड़। हमने गरीब को इस प्रकार से इंपावर किया। साहसिक निर्णय देश हित में, सर्जिकल स्ट्राइक भी करते हैं, नोटबंदी पर भी स्ट्राइक करते हैं, बिना ही चले। सर्जिकल स्ट्राइक किया तो PM ने लंदन में कहा था मैं दोहराऊंगा, हमने कहा पहले प्रेस को बोलने की बजाय पाकिस्तान को बता दो कि आपके 40-50 लोगों का शव पड़ा है, ताकि तब पे गए, हमने ये काम किया, ये हिम्मत। और नोटबंदी में 14 लाख करोड़ रुपए वापस आए। एक बात ध्यान रखिए, ये सभी पैसा वाइट नहीं हुआ, अब इस पैसे का एक परिचय है और उनको टैक्स देना है। अब आपको मैं एक आंकड़ा देता हूं, 3,04,000 लोगों ने 10-10 लाख रुपए जमा किया, टैक्स नहीं भरा,
3,04,000 लोगों ने 10-10 लाख रुपए जमा किया, टैक्स नहीं भरा, सबको नोटिस गई और हम लोगों ने 6,416 करोड़ रुपए जमा किया, बाकी भी आने वाला है। सबसे बात आपको हम कंपनियों के बारे में बताना चाहें, 3,00,000 कंपनियों का हमने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया। ये कंपनियां कौन थी? एक घर में 100 कंपनी, एक कंपनी के 2,000 बैंक अकाउंट, काम कुछ भी नहीं। और जब नोटबंदी हुई तो बड़ा मजा आ गया। मैं आपको खाली 2 आंकड़े देना चाहता हूं जो बहुत रोचक है, कि एक कंपनी ने सिर्फ 35,000 कंपनियों ने 5,00,000 करोड़ रुपए जमा किए। जो कंपनी कभी जमीन पर दिखाई कम पड़ती, और एक कंपनी को 2,000 बैंक अकाउंट थे और एक कंपनी के बैंक में कुछ पैसे नहीं थे, उसने सिर्फ 4,000 करोड़ रुपया जमा किया और एक हफ्ते में वापस किया। तो आप समझ सकते हैं कि देश कैसे चलाया जा रहा है। आज सभी कंपनी रजिस्टर किया, बाकी कमाई बेनामी एक्ट को हमने उन्होंने इंप्लीमेंट किया जो 88 में बना था, आज 900 प्रॉपर्टी अंडर सीज। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, आपके दिस होल जो हमने रेरा एक्ट लाया कि रियल एस्टेट में चीजें ठीक हैं, और जिस प्रकार से हम लोगों ने इंसॉल्वेंसी एक्ट को चेंज किया, आप देख लीजिए छोटे व्यापारियों को तंग करते थे बैंक के लोन के लिए, बड़े बड़े पैसे लेके भागते थे। अभी कुशल स्टील ने 36,000 करोड़ रुपया के अंदर जाया ज्यादा निकलता है किसी बैंकिंग इंसॉल्वेंसी एक्ट। तो भारत के सिस्टम को क्लीन करना ये हमारी बहुत बड़ी कोशिश रही है। मित्रों, आम आदमी को टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी उभरती इकोनॉमिक ताकत है, वर्ल्ड बैंक कहता है, IMF कहता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के थिंक टैंक, कोई भारतीय कंपनी की बात नहीं करता। भारत का ग्रोथ रेट अगले साल 7.5% होगा, सबसे अधिक पूंजी निवेश भारत में, सबसे अधिक विदेशी फॉरेन एक्सचेंज भारत में, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, करंट अकाउंट डेफिसिट अंडर कंट्रोल, ये आपके पास। मित्रों, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मैं एक ही बात कहूंगा, सड़कें पहले बनती थी 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे, अब 27 किलोमीटर बनती है। आपके अंत में मैंने काशी में क्या किया आपके सांसद ने बस थोड़ा वही बताऊंगा। पहले आपके सड़क बनती थी जो रूरल रोड है 70 किलोमीटर, आपके की बनती है 34 किलोमीटर पर। मैं इलेक्ट्रॉनिक का मिनिस्टर हूँ, आपकी जानकारी के लिए हमारी सरकार आई थी तो मोदी जी ने पूछा, रवि तुम कहते हो इतना मोबाइल यहाँ बनता कितना है? 14 में सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री थी, सिर्फ 2। 4 साल बाद हिंदुस्तान में 120 मोबाइल फैक्ट्री आ गई है जो भारत में मोबाइल बना रहे हैं। ये संख्या 6 करोड़ से अब 22 करोड़ हो गई, 1,32,000 करोड़ का रेवेन्यू, 18,000 करोड़। और आपके उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा और नोएडा में 54 फैक्ट्री आई, देश भर में आई। इस संक्षेप में मैंने बात बताई गरीबों की सरकार। अभी हम आयुष्मान भारत देने आने शुरू करने वाले, देश के 10 करोड़ परिवार 50 करोड़ लोगों को हम देने वाले हैं 5,00,000 पर हेड का इंश्योरेंस, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य। एक हमारे कॉमन सर्विस सेंटर का मूवमेंट चलता है, छोटे गरीब बच्चे देश में डिजिटल सेवाएं देते हैं। देश जब हमारी सरकार आई थी 83,000, अब 2,91,000, 1,90,000 ग्राम पंचायत। आपके उत्तर प्रदेश में 59,000 बच्चे काम करते हैं सेंटर से, CSE वो आधार कार्ड बनाते हैं, बैंकिंग का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, भारत बिल पेमेंट करते हैं, 10,00,000 बच्चे वहां काम करते हैं, तो 55,000 महिलाएं। तो आज डिजिटल इंडिया ने एक मास मूवमेंट बनाया है, डिजिटल हेल्थ, सॉइल हेल्थ कार्ड, किसानों के 13 करोड़, ई मंडी, ताकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत आगे बढ़े। पर ये सब तभी संभव होता है जब देश का एक नेता ऐसा होता है जो जनता के द्वारा चुना जाता है, जिसके दिल में गरीब के लिए दर्द होता है और भारत के लिए। ये हमारे 4 साल का सचिव रिपोर्ट है। मैं आपसे बहुत विनम्रता से कहूंगा, मैं जल्दी स्लाइड रखूंगा, क्योंकि एक बार मैं काशी के गुणी पत्रकारों के सामने
हमने चार साल में विभिन्न क्षेत्रों में क्या किया है आपके सामने रखना चाहते हैं, तो मैं कल कोई लिखना दूंगा, फिर आपके सारे प्रश्न होंगे। ये देखिए मैंने कहा 31.52 करोड़ जनधन अकाउंट और दुनिया के खुले बैंक खातों का 55% है। इंडियन पोस्टल बैंक का ही गरीबों का अकाउंट खुलने का तात्पर्य जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए स्वच्छता मिशन में बैक करो, हाँ थोड़ा बैक करो आगे बढ़ गया, हाँ। अब देखिए 3.6 लाख ज्यादा और सबसे ज्यादा राज्यों में खुले शौच से मुक्ति ओडीएफ किया गया, तो 38% से बढ़ 36 हो गया, एडीपी हो गया और 7.25 करोड़ जो मैंने बताया आपको शौचालय बने वो आपके सामने। नेक्स्ट 80 करोड़ ज्यादा लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा, मई 14 में केवल 11 राज्यों में थी, अब 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में योजना चलती है। नेक्स्ट एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में देखा, मैंने शुरू में बताया था उज्ज्वला ने 20.14 करोड़ लोगों को डीबीटी डायरेक्टली मिला है, जो उनकी राशि होती है गरीबों की गैस की, और 3,65,986 करोड़ अब 2-3 दिन में बढ़कर 3,87,000 करोड़ हो गया, रोज अपडेट होता है। नेक्स्ट ये देखिए ग्रोथ इंजन विश्व की सबसे तीव्र गति से विकसित होती अर्थव्यवस्था, 13-17 के बीच कीमतों से जीडीपी बढ़कर 31% हो गई, जबकि ग्लोबल जीडीपी मात्र 4% की है, सभी निवेश तथा मैक्रो इकोनॉमिक इंडेक्स के पर भारत को उच्च रैंकिंग प्राप्त। नेक्स्ट योगा, आज पूरी दुनिया योग कर रही है, चीन भी कर रहा है, सऊदी अरेबिया भी कर रहा है, मस्कट भी कर रहा है, यूएई भी कर रहा है, और इसको ग्लोबल योगा डे बनाने में दुनिया के सारे राष्ट्रों ने समर्थन दिया। एक समय योगा जहां करें या ना करें इस पर चर्चा होती थी, आज पूरी दुनिया योग कर रही है और मध्य एशिया के देश भी कर रहे हैं, यह होती है भारत की सॉफ्ट पावर। नेक्स्ट जलवायु परिवर्तन में हमने काम क्या किया, भारत अग्रणी भूमिका निभाई, क्लाइमेट जस्टिस की बात की, सोलर पावर की बात की, अलायंस की भी आप जानते हैं। नेक्स्ट आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक करके अपना समर्थन दिखाया, वन राइट वन पेंशन की मांग पूरी की गई और सुरक्षा बलों का अधिग्रहण की गति से हो रहा है। एक बात और है, सुरक्षा बलों को यह भी निर्देश है तुम्हें अपने हथियार आगे नहीं उठाने, उधर से अगर गोली चले तो हाथ बांध के जवाब देना है, उसका वजह आप देख रहे हैं, बिल्कुल प्रभावी रूप से सेना के साहस को ट्रस्ट किया गया है। नेक्स्ट ये देखिए जैव विज्ञान में इसरो ने एक ही उड़ान में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक चलाए, जिसमें यूएई, यूएसए, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड सबों को, कजाकिस्तान, और भारत को दुनिया के माने हुए स्पेस पावर के रूप में जगह मिली। एक सैटेलाइट में, एक उड़ान में 104 सैटेलाइट, ये इतिहास बना है। नेक्स्ट इसको आगे बढ़ाए, नेक्स्ट करो, हमने 1.5 गुना एमएसपी के रूप में मिलेगा खरीफ फसलों के लिए भी तय किया है, दालों का बफर स्टॉक बढ़कर 20 लाख टन हो गया है, ये भी आपके सामने। नेक्स्ट अब देखिए हमने 5 वर्षों के लिए हर खेत को पानी के नाम पर 50,000 करोड़ का पूंजी निवेश, 11 लाख करोड़ का क्रेडिट, और ये हर खेत को पानी के नाम पर 50,000 करोड़, 28.5 लाख हेक्टेयर कवरेज, बात क्या आपने देखा और इस तरह। ये देखिए ई नैम क्या है, 87.5 लाख किसान, आज प्लीज बैक करो, आज भारत के 585 डिजिटल मंडियों से जुड़कर अपना माल बेचते हैं और इसके माध्यम से 41,591 करोड़ का व्यापार हुआ स्पेसिफिक, आज जो किसान मंडी के लिए परेशान होता था। नेक्स्ट चलो किसान को अगर फसल नुकसान हो तो पहले आपका 50% नुकसान पर आपको मुआवजा मिलता था, उन्हें 33% किया और बाकी जो बारिश में हुई बाकी सब आपको हम लोगों ने परिजनों के लिए भी राशि को बढ़ाया, वो सब आपके सामने है। नेक्स्ट चलो यूरिया को केमिकल फैक्ट्री अपने यहां घुस देके ले जाया करते, नीम कोटिंग कर दिया तो
तो उनके उपयोग का नहीं रहा। और इसके लिए 15 वर्ष से फाइल पेंडिंग थी, ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही हुआ तो फर्टिलाइजर अवेलेबल हो गया किसानों के लिए, उसकी लाइन खत्म हो गई। तो ये एक महत्वपूर्ण हमने काम किया, बाकी सब सब्सिडी बताया क्लियर किया आपके सामने। नेक्स्ट, एक गर्भवती महिलाओं के लिए पहले उनको जो छुट्टी मिलती थी वो 3 महीने की मिलती थी, हमने उसको 6 महीने कर दिया। गर्भवती माँ को अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए 26 सप्ताह, एक ऐतिहासिक काम हुआ है। बाकी कुपोषण मनाने का काम करूँगा। नेक्स्ट, अब बाकी देखिए जिलों में उनका पोषण बढ़े बाकी बढ़े। एक बात मैं यहाँ पत्रकारों को बताऊंगा, सुन लें, हमारी कई महिला पत्रकार भी है। मोदी जी के विचार के केंद्र में महिला शक्ति का सशक्तिकरण है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस कार्यक्रम के उद्घाटन में भी गया था करनाल में, उन्होंने एक बात कही थी, बड़ी भीड़ थी क्योंकि हरियाणा का सेक्स रेडियो कमजोर है आपको मालूम है, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। आज देखिए हरियाणा बदला, ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है, अब मैंने बताया 26 महीना को 6 महीने किया गया उनके स्वास्थ्य की चिंता, लेकिन भारत की बेटियों को एयरफोर्स के फाइटर फ्लाइंग पायलट बनने का भी अनुमति मोदी जी के सरकार ने। तो आपने देखा होगा जब 15 के 26 जनवरी को राष्ट्रपति ओबामा आए थे दिल्ली में परेड में, तो सामान्यता मद्रास की रेजिमेंट लीड करती, मोदी ने कहा भारत की बेटियां लीड करेंगे तो भारत की सेना के अवसर है। और आपने भी देखा होगा कि भारत की नेवी की महिलाएं दुनिया का पूरा भ्रमण करके वापस आ गई। और इस 26 जनवरी को जो बीएसएफ के पुरुष जवान मोटरसाइकिल पर साहसी काम करते थे 26 जनवरी को, इस बार भारत की बेटियों ने करके दिखाया। तो भारत की बेटी पढ़े, वैज्ञानिक बने, पर्वत पे जाए, बड़े बड़े फाइटर प्लेन उड़ाए, ये एक नई दृष्टि भारत की महिला विकास के लिए आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट, तो उसको आगे बढ़ सकते हैं। फिर ऐतिहासिक निर्णय, 12 साल या उससे कम की बेटियों का बलात्कार करोगे तो फांसी की सजा मिलेगी। ये करने का हिम्मत मोदी जी की सरकार को हुआ, और अगर बिल पास करने में कठिनाई हुई तो ऑर्डिनेंस उसको लाया है, ये हमारी कमिटमेंट है। नेक्स्ट, 3 तलाक, कानून मंत्री के रूप में आपने मुझे इस विषय को आगे बढ़ाते देखा होगा। 3 तलाक का विषय न पूजा का है, न इबादत का है, न धर्म का है, न समुदाय का है, ये सीधा है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी सम्मान से। कि आजादी के 70 साल बाद भी आप तलाक 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 बोले और महिलाएं सड़क पर, और हमने कहा, हमने ऐसा कहा है यूपी में सबसे अधिक 3 तलाक की महिलाएं हैं, ध्यान रखिए, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी जारी रहा है और लोकसभा में पारित होने के बाद भी जारी है। तो हमने इस पर बहुत ही सख्त स्टैंड लिया है। दुनिया के 22 इस्लामिक मुल्कों में 3 तलाक को नियंत्रित किया गया है, भारत एक सेकुलर मुल्क है। इनमें पीड़ा एक होती है जो मैं यहां कहना चाहता हूं, क्योंकि पॉलिटिकल सवाल नहीं। सोनिया गांधी एक महिला नेत्री है, मायावती जी एक महिला नेत्री है, ममता जी एक महिला नेत्री है, फिर भी 3 तलाक पर खामोशी क्यों है? इसे ही हम वोट बैंक पॉलिटिक्स कहते हैं, यह आपसे कहना चाहेंगे। हमारा कमिटमेंट कंप्लीट है। अब ये कहता है पति जेल चले जाएंगे, क्या डाउरी प्रोविजन नहीं जाते, क्या हत्या में नहीं जाते, क्या एक्सीडेंट करने में नहीं जाते, क्या बाकी अपराध में नहीं जाते? उस वक्त तो आप नहीं कहते कि घर को चलाएंगे। तो 3 तलाक के जब महिलाओं के, अरे उनको यहां से बेल नहीं मिलेगा, कोर्ट से बेल मिलेगा, आप उनकी रखवाली की चिंता करिए अपनी पत्नियों। तो ऐसे ऐसे तर्क क्यों दिए जा रहे हैं? उद्देश्य यही है कि ये 3 तलाक का बिल पारित नहीं होता, और हमारा संकल्प पूरा है कि हम अपनी खवातीनों को न्याय देंगे। नेक्स्ट, ये देखिए आपने यूजीसी में इतना बड़ा काम किया है, 7 IIT, 7 IIM, 14 IIIT, 103 केंद्रीय विद्यालय, हमने क्या करके दिखाया है, ये सब डिजिटल एजुकेशन, ये सब आपके सामने है। नेक्स्ट, स्वरोजगार, स्टार्टअप, स्टार्टअप क्या है? आज भारत में डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया के माध्यम से नए नए स्टार्टअप पैदा हो रहे हैं, और मुझे एक बहुत बड़े एशिया के आईटी कंपनी के प्रमुख पदाधिकारी ने कहा कि पहले जब हम आईआईटी में जाया करते थे तो टॉपर लोग हमारे यहाँ नौकरी के लिए आते थे, अब कहते मैं स्टार्टअप बनूंगा, आई वॉन्ट टू बिकम ए जॉब गिवर नॉट ए जॉब सीकर, मैं रोजगार देना चाहता हूँ रोजगार देना नहीं चाहता। और आज हजारों की संख्या में देश में स्टार्टअप सामने आ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है।
आपने देखा होगा यहाँ पर हमने डिजिटल माध्यम से डिजाइनिंग का कोर्स चलाया है, उसका बहुत लोग उपयोग कर रहे हैं, आगे और करेंगे। नेक्स्ट, ये कौशल विकास योजना में देखिए हम जो काम कर रहे हैं, 375 ट्रेडेड 13,000 प्रशिक्षण खोले गए हैं, जो मैंने चर्चा किया आपसे। एक प्रकार से स्किल इंडिया के माध्यम से देश के हुनर का विकास, हाथों के हुनर, उद्यमशीलता, ये दोनों का विकास। आगे बढ़े, ये देखिए खेलो और कौशल इंडिया में हमने खेलो इंडिया का एक बड़ा कार्यक्रम किया कि बच्चे आगे आए। अभी हमने मणिपुर में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की अनुशंसा की है, कैबिनेट से पास किया है। तो देश के खेल की प्रतिभा को भी हम आगे बढ़ाएं, ये इसमें हमने कोशिश की। नेक्स्ट,